दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं टैगी मंथन। आज मैं आपको बताऊंगा एसडी कार्ड के ऊपर जो साइन और सिंबल्स बने थे उनका मतलब क्या है, और जब आप एसडी कार्ड बाय करते हैं तो उनके रेट बढ़ने के क्या कारण है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसडी लोगो के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं एसडी एससी का लोगो बना, उसकी जगह पर एसडी एससी भी हो सकता है और एसडी एससी भी हो सकता है और एसडी भी हो सकता है अकेला। अब हम बात करते हैं मेमोरी साइज के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं 32 GB मेमोरी साइज लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप 2 GB भी दे सकते हैं, 4 GB दे सकते हैं, 16 GB भी दे सकते हैं, 64 GB भी देख सकते हैं और 512 GB भी देख सकते हैं। अब हम बात करें रीड ओनली स्पीड के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं 95 MB/s उसकी रीडिंग स्पीड है। रीडिंग स्पीड अलग होती है और मेमोरी कार्ड की राइटिंग स्पीड अलग होती है। हमेशा मेमोरी कार्ड की राइटिंग स्पीड रीडिंग स्पीड से कम होती है। अब हम बात करते हैं स्पीड ग्लास के बारे में। आप यहाँ पे स्पीड ग्लास 10 देख रही है, इसका मतलब हुआ है कि इसकी मिनिमम राइटिंग स्पीड हुई 10 MB/s। इसकी जगह पर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं UHS कैटेगरी के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं UHS कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, इसकी जगह पर UHS कैटेगरी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। UHS 1 की कैटेगरी की जो मिनिमम रीडिंग स्पीड होती है वो 12 MB से लेके 104 MB/s होती है, और UHS 2 कैटेगरी की जो स्पीड होती है वो 150 MB से लेके 312 MB/s होती है, और UHS 3 कैटेगरी की जो स्पीड होती है वो 312 MB से लेके 624 MB/s होती है। बात करते हैं UHS वर्जन के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं UHS कैटेगरी 1 का वर्जन 3 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे UHS वर्जन 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। वीडियो क्लास के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो क्लास की 30 दी गई है, इसकी जगह पर वीडियो 10 भी हो सकता है और वीडियो 60 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। वीडियो 30 का मतलब ये हुआ कि इसकी 30 MB राइटिंग स्पीड है वीडियो क्लास में। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स के बारे में। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 633 X, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो सी डी रोम से कंपेटेबल की गई है, और सी डी रोम की स्पीड होती है 150 KB/s। अगर हम 633 को मल्टीप्लाई करें 150 के साथ तो रिजल्ट आएगा 94,950 KB/s। इसको हम मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करें तो 94.95 MB/s स्पीड है, मतलब जो पहले ही दी हुई है मेमोरी कार्ड के ऊपर 95 MB। दोस्तों, मेमोरी कार्ड का रेट हाई होने का कारण यही होता है कि उसकी मेमोरी साइज कितनी है, वो UHS किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड कितनी है। जिसकी जितनी राइटिंग स्पीड और रीडिंग स्पीड बढ़ती जाएगी उतना उस मेमोरी कार्ड का रेट भी हाई होता जाएगा। आपको सिर्फ मेमोरी कार्ड बाय करते वक्त ये चेक करना होता है कि उसकी UHS कैटेगरी कौन सी है, वो किस स्पीड क्लास से डिपेंड करता है, उसकी वीडियो क्लास कौन सी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और आप इस तरह की वीडियोस और मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।